दोस्तों बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर किसी भी x बार का कोएफिशिएंट निकालना अब आपके लिए होगा बेहद आसान। जैसे इस एक्सपेंशन के अंदर x बार p प्लस का b बाय x बार क्यूब की पावर n के अंदर आपको x बार k का कोएफिशिएंट चाहिए तो आपको सबसे पहले वो टर्म निकालना पड़ेगा। मान लीजिए वो टर्म है tr प्लस 1 जहां पर आपका r होगा n into p minus का k divided by p plus q। इसी कंसेप्ट को अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत चुटकियों में आंसर पाएंगे। देखिए 4 by 5 of x plus का 5 by 2x की पावर 8 है तो यहां पर n की वैल्यू 8 हो जाएगी, p अगर आप देखेंगे तो p 1 हो जाएगा और q अगर आप देखेंगे तो q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो tr plus 1 टर्म कंटेन x बार माइनस का 4 तो जहां पर r की वैल्यू होगी 1 into 8 माइनस का 4 divided by p plus q it will become 2। तो यहां से r की वैल्यू आएगी 12 by 2 it will become what 6। तो t7th टर्म कंटेन्स x की पावर माइनस का 4 जिसमें हो जाएगा t6 प्लस 1 लिखेंगे और ये हो जाएगा 8c6 4 by 5 की पावर 2 एंड 5 by 2 की पावर 6। तो बहुत तेजी से आपने निकाल लिया x बार माइनस 4 का कोएफिशिएंट।